हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के शॉर्टकट कर रहे थे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट शॉर्टकट का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले मैंने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स पे और भी बहुत सारे जो है लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने शॉर्टकट के वीडियोज जो अपलोड किए हैं। अगर उन वीडियोज़ का आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जो है आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे शॉर्टकट वीडियोस बाय आयुष्मान क्लासेस ये सर्च करेंगे तो भी आपको शॉर्टकट के वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो वीडियोस होते हैं ये आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपके टाइम को काफ़ी बचत करते हैं, आप टाइम को काफ़ी सेव करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर TGT PGT से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित TGT PGT कोर्सेज और NBS KBS के TGT PGT कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है, उसका देखिए कैसे हम लोग स्मार्टली यूज करेंगे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए सबसे पहले आप अगर जानते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई पूरा का पूरा एक कॉलम अगर जीरो हो जाए, पूरा का पूरा एक कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या पूरा का पूरा एक रो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। एक प्रॉपर्टी हम लोग डिटरमिनेंट की ये जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो सेम हो जाए, ए तो कोई दो रो या दो कॉलम, जैसे ABC ABC और तीसरा कुछ भी हो XYZ, अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज तो आप क्वेश्चन में जब आपको जीरो जीरो सब कुछ दिख जाता है तो आप लगाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब देखिए मैं इसको कैसे स्मार्टली हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और कैसे ये शॉर्टकट जो काम करेगा आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ PBC AQC ABR एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है तब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके दो कॉलम सेम हो, या तो दो ही कोई दो रो सेम हो, मतलब या तो ये वाली प्रॉपर्टी लगे, इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल देते हैं, इसको सेकंड प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो या तो इसका कोई एक पूरा का पूरा रो जीरो होगा, या तो इसका दो रो क्या होंगे, सेम होंगे, जो चीज़ रो के लिए होगा वही चीज़ कॉलम के लिए होगा। तो हमें थोड़ा सावधानी से इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं रो को क्या कर देता हूँ, चलिए मैं रो को कर देता हूँ कि कोई दो, अच्छा यहाँ पर रो का कंपेरिजन ना दो रो को सेम करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, दो रो को सेम करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो रो या दो कॉलम को वाले जब मैं सेम करने जाऊँ P = A B = Q C = C, इससे कुछ बढ़िया सा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब ये जीरो वाला टेंडेंसी हम लोग अपनाते हैं कि कोई एक कॉलम अगर जीरो हो जाए या कोई एक रो जीरो हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर जीरो कर दूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, P = 0 B = 0 और C = 0, ये मिलेगा हमको, ठीक है। अब अगर इसको हम क्वेश्चन में अगर पुट कर दें तो P = 0 है तो 0 अपॉन 0 अपॉन 0 माइनस A, ठीक है, 0 अपॉन 0 माइनस A, और प्लस कितना हो जाएगा, Q, Q का मतलब कितना है, Q हमारे पास Q तो Q है कोई दिक्कत नहीं, अपॉन नीचे कितना, Q माइनस B कितना है, 0, और प्लस R तो R है अपॉन R - C = 0 है, तो कितना मिल गया, 0 + 1 + 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही क्विकली इस क्वेश्चन का जवाब हमने निकाल लिया, आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके भी निकालिए, इसका आंसर 2 आएगा आपको, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अप्लाई करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके पहले आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं देखे होंगे, बिल्कुल भी न्यू है यूट्यूब पे जो है, और निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहा जा रहा है एक डिटर्मिनेंट है जिसका पहला कॉलम है A B A α + B, दूसरा कॉलम है B C B α + C, तीसरा कॉलम है A α + B B α + C 0, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो पूछा जा रहा है ABC किस में होगा। और ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या तो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिर से वही बात है कि हम लोग कोई एक कॉलम या यहाँ चूंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हम लोग या तो कॉलम पे नज़र रखेंगे या तो रो पे नज़र रखेंगे, कोई एक पूरा का पूरा कॉलम या तो पूरा का पूरा रो हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर मैं देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा कि ABC किस में है, तो अगर मैं रो को माले पहले रो को मैं 0 करूँगा तो A = 0 आ जाएगा, B = 0 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है।
चलिए पहले कॉलम को जरा हम लोग देखते हैं, पहले कॉलम को जीरो करने से मुझे क्या मिलेगा। पहले कॉलम को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो भी मुझे ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से भी थोड़ी समस्या है, ठीक है ना। एक काम करते हैं हम लोग, थर्ड रो को अगर हम लोग जीरो करें, जो सेकंड रो में भी वही समस्या है जो फर्स्ट में, वही समस्या सेकंड में भी है। थर्ड रो को अगर जीरो करें तो क्या मिलेगा, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड एलिमेंट तो जीरो है ही इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से मुझे अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस सी बाई बी मिलेगा। इन दोनों अल्फा को अगर मैं इक्वेट कर दूँ क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल जाएगा, और अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है तो ए बी सी किस में आ जाता है, जी पी में आ जाता है। ए बी सी किस में आ जाता है, जी पी में जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि हम लोग किस रो को या किस कॉलम को जीरो करें जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाए। और भी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। कजर एक डिटर्मिनेंट है जिसका पहला कॉलम है पी, पी माइनस एक्स, पी माइनस एक्स, क्यू माइनस वाई, क्यू, क्यू माइनस वाई, आर माइनस जेड, आर माइनस जेड, आर इज इक्वल टू जीरो। देखो फिर से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो पूछा जा रहा पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई प्लस आर बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो या तो पूरा का पूरा एक कॉलम जीरो रहा होगा या तो पूरा का पूरा एक रो जीरो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम को जीरो कर दूँ तो क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू जीरो, फिर से यहाँ मिलेगा पी इज इक्वल टू एक्स, इससे काम नहीं बनने वाला है ना। पी इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू एक्स, दो दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ से काम नहीं बनेगा। यही सेम चीज़ अप्लाई होगा सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में भी यही बात होगी, तो इससे कुछ काम नहीं बन रहा है। चलिए फर्स्ट रो को जीरो करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू जीरो, क्यू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब क्यू इज इक्वल टू वाई, और आर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो मतलब आर इज इक्वल टू जेड मिलेगा। इसको मैं अगर क्वेश्चन में पुट कर दूँ तो पी इज इक्वल टू जीरो है और क्यू की वैल्यू कितनी है, वाई, तो वाई अपॉन वाई प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा, जेड अपॉन जेड, तो ये कैंसिल होके इस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। कहा जा रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए चूंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो पक्का इसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग इसमें शॉर्टकट लगाएंगे। तो अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट रो को अगर जीरो कर दूं तो ए इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा, और फिर वन इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, वन इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, तो ये रो कभी जीरो बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से ये वाला रो भी नहीं जीरो बनेगा क्योंकि यहाँ पे वन है, वन कभी जीरो के बराबर होता नहीं है, तो यहाँ से ये दिक्कत है। और अगर थर्ड रो को जीरो करें तो सी इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, सी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, दो दो वैल्यू सी की आ जाएगी, तो यहाँ से भी किसी कंक्लूजन पर हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम को जीरो कर दूँ तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, और वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन और सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे निकालना है वन बाई ए प्लस मॉड ऑफ वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, ये मुझे मिल जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कुल मिला के मॉड में माइनस थ्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए मेरा क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ वन 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 ए सी बी बी ए सी इज इक्वल टू जीरो, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन गुज सेट में मतलब गुजरात में जो इंजीनियरिंग होता है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब भी किसी ट्राइंगल की वो बात करे तो बेहतर होगा कि हम ट्राइंगल ए बी सी को इक्विलेटरल ले लें, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है तो ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, है ना। ट्रायंगल एबीसी इज व्हाट, इक्विलेटरल। मान लेने का मतलब ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए आप निकालिए, सारे ट्रायंगल के लिए सही है, तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल भी तो हो सकता है पर्टिकुलर केस। तो हम लोग एबीसी को इक्विलेटरल अगर ले लें तो यहां से मुझे मिलेगा कि क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, मतलब तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, या हम इसको कह सकते हैं तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 60
और कितना मिल जाएगा फिर से साइन स्क्वायर 60, और कितना मिल जाएगा मुझे प्लस साइन स्क्वायर 60। यहाँ से ये हो जाएगा साइन 60 कितना था, रूट 3/2, ये हो जाएगा 3/4, 3/4, 3/4, ये कितना हो जाएगा 9/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी सभी डिफरेंट हैं, कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 0 एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए 0 एक्स प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी 0 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी स्टेट में पूछा गया है, मतलब यूपी स्टेट का जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है यूपी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर ऑप्शन से चेक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूछना कि एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जिससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए पहले ऑप्शन को मैं अगर चेक करूँ, एक्स इज इक्वल टू 0 अगर पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, 0 ए बी, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस ए 0, फिर सी, फिर यहाँ पर माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये बना। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। और देखिए A12 वाला एलिमेंट A21 के नेगेटिव के बराबर है, फिर A13 का एलिमेंट A31 के नेगेटिव के बराबर है, A23 का एलिमेंट A32 के नेगेटिव के बराबर है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक में होती है। मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी कैसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो ऑड ऑर्डर की, है ना, डिटर्मिनेंट, एक स्टेटमेंट मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, ये 3 ऑर्डर की है, 3/3 की मैट्रिक्स है, ऑड नंबर है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, मतलब ये देखिए 0 आ गया ना, ऐसा रखने से क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है हमको। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है पी क्यू आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए पी क्यू आर किसी ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल्स हैं, किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जनरली हम लोग ट्राइंगल को क्या ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरा पी क्यू आर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो -1 cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ से 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 1/2, फिर -1, फिर 1/2, यहाँ से 1/2, 1/2, -1, ये आ गया। अब इसको ओपन कर दीजिए आप फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो -1 इंटू कितना मिलेगा, 1 -1/4 मतलब 3/4, फिर -1/2 इंटू ये कितना मिलेगा, -1/2 -1/4 -1/2 और -1/4, और कितना मिलेगा, +1/2 इंटू कितना मिलेगा, 1/4 और +1/2 1/4 +1/2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो -3/4 और यहाँ से +1/4 +1/8 +1/8 +1/4, तो ये -3/4 और 1/4 1/4 कितना हो गया, 2/4, तो ये कितना मिलेगा, -1/4 -1/4 हो गया, और ये 1/8 1/8 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो -1/4 +1/4 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है इफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, दूसरे कॉलम में x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, तीसरे कॉलम में x प्लस ए x प्लस बी x प्लस सी, अगर अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो बताइए ए बी सी किस में होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो या तो कोई दो रो सेम होगा या कोई दो कॉलम सेम होगा, या किसी पूरा का पूरा एक रो 0 हो जाएगा या पूरा का पूरा एक कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसी कुछ संभावना बनती है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को कह दीजिए कि ये सेम है, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को आप कह दीजिए सेम है, फर्स्ट सेकंड को मत बोलिएगा। फर्स्ट सेकंड को बोलेंगे तो वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा। देखिए पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा, टू इज इक्वल टू थ्री कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर इक्वल कर दें, मतलब क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू बराबर एक्स प्लस ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री बराबर एक्स प्लस बी, और यहाँ से कितना मिलेगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स एक्स कटा, एक्स एक्स कटा, एक्स एक्स कट गया, यहाँ से ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू फोर मिल गया। इसका मतलब ए बी सी किस में आ गए, ए पी में आ गए, ए बी सी किस में आ गए, ए पी में आ गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसमें आपको इसमें दो से तीन मिनट लग तीन मिनट लग जाएगा। और अगर आप इस तरीके से अगर सोचना शुरू कर दिए, एक बार इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए, इस क्वेश्चन को आप देखते ही तुरंत 10 सेकंड में इसका जवाब आप बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकंड थर्ड को कंपेयर किया, क्यों ना फर्स्ट थर्ड को कंपेयर कर दें तो क्या होगा। बिल्कुल फर्स्ट थर्ड को भी आप कंपेयर करिए, तो फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू और सी इज इक्वल टू थ्री मिलेगा। तो फिर से ए बी सी किस में आ जाएगा, ए पी में आ जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ए बी सी किस में आ जाएंगे, ए पी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये मैंने ट्रिक बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो इसकी जो प्रैक्टिस है आप क्वेश्चन में लगा के आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से जो है सोचना पड़ेगा, और कहाँ पे अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर एक बार में आपको चीज़ें न समझ में आए, दोबारा इस वीडियो का फिर से जो रिप्ले करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको एक ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसपे मैं आपको शॉर्टकट जो बताने वाला हूँ। तो चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।